क्या कर रही हो तुम मेरी जिंदगी में? नफरत है मुझे औरत के इस रूप से। सीनिया, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लैला, 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 क्या कहा तुमने? तुम्हें लैला के पास जाना है? निलोफर, लैला मुसीबत में, उसके पास जाना होगा मुझे। क्यों खुद को धोखा दे रहे हो फिरोज? तुमने तो उससे वादा किया था ना कि तुम अपनी दुनिया में वापस जा रहे हो और कभी भी उसके सामने नहीं आओगे, तो फिर क्या हुआ? फिरोज ने अपना इरादा बदल दिया? नहीं, फिरोज, फिरोज अपना वादा नहीं तोड़ेगा, उसके सामने नहीं जाऊंगा। लेकिन लेकिन मेरी लैला मुसीबत में है, और अगर लैला मुसीबत में होगी तो फिरोज को तो जाना ही होगा ना, जाना होगा फिरोज को। तुम उसके पास नहीं जा सकते फिरोज, मैंने तलाल से वादा किया है कि तुम लैला के पास अब नहीं जा सकते। मुझे तुम्हारे वादे की कोई परवाह नहीं है नीलोफर, मेरी लैला मुसीबत में है और जब जब लैला मुसीबत में होगी फिरोज उसे बचाने वहां जरूर जाएगा, ये बात तुम अच्छी तरह से समझ लो नीलोफर। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो और इसी में तुम्हारी खुशी है तो जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, गलती से भी लैला के सामने मत जाना वरना जल के भस्म हो जाओगे तुम। नहीं जाऊंगा, सामने नहीं जाऊंगा। रुक जाओ, रुको रुको रुको, लो नहीं, आप इतना परेशान क्यों हैं? फिरोज आपको पहली बार तो छोड़ के नहीं गया। हाँ, लेकिन पता नहीं इस दफा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे अब मैं कभी उस पे काबू नहीं पा सकूंगी। और तुमसे भी तो किताब नहीं ढूंढी गई, वरना हमारी सारी मुश्किलें हल हो जाती। तुम एक बहुत बड़े आमिल बन जाते और मैं अपने मन की मुराद पा लेती। क्या मतलब? आपको एक बड़ा आमिल नहीं बनना? नहीं, मुझे तो सिर्फ अपनी मंजिल तक पहुंचना, वो मंजिल जिसे पाने के लिए मैंने ये राह चुनी थी। खर्चा, आप बेफिक्र रहिए मैडम नीलोफर, मेरा दिल कहता है कि फिरोज आपके पास जरूर वापस आएगा। और क्यों कहता है तुम्हारा दिल ये? क्योंकि उसने अपनी हरकतों से बाज तो आना है, मुश्किलों और खतरों में कूदने का शौकीन है। जरूर किसी बड़ी मुश्किल में फंसेगा तो उसने कहाँ जाना है, इसी डेरे पर आपके पास आएगा मदद की भीख मांग। निकले आप, वो जरूर आएगा। खर्चा, वो किताब ढूंढ लो किसी भी तरह, कुछ भी करके वो किताब ढूंढ लो, वो एक किताब हम दोनों को हमारी मंजिल तक पहुंचा देगी।
आंखों के सामने उस कुत्ते ने शानवास को चीर फाड़ दिया। पिंकी तुम तो कह रही थी कि वो कुत्ता शीशा तोड़कर अंदर आया था, लेकिन शीशा तो जूं का तू है, बंद कमरे में ये सब कुछ कैसे हो गया? मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस इतना जानती हूँ कि अगर उस कुत्ते ने ना किया होता शानवास के साथ, तो आज मेरी लाश पड़ी हुई होती। मगर शानवास क्यों तुम्हारी जान लेना चाहता था? जादूगरनी है ये, जालिम लड़की है, मार दिया इसने मेरे बेटे को। चलिए अम्मी यहाँ से, अब यहाँ पे तमाशा करने का कोई फायदा नहीं है। मेरा भाई तो वापस नहीं आ सकता यहाँ पर, और इस मनहूस को भी निकाले यहाँ से, इस घर में इसकी अब कोई जगह नहीं है। पिंकी को मत कोसिए, ये तो बेचारे खुद मजलूम है। आपने अपने बेटे का पागलपन छुपाया है हम लोगों से। शाहनवाज ने पिंकी की जान लेने की कोशिश की थी। ये कहानियां तुम्हें इसने सुनाई होंगी, झूठी कहानियां कि खुद जादूगरनी है, वरना मेरा बेटा इस तरह कमरे में कैसे मर सकता है? खबरदार, एक और लफ्ज भी अगर आपने पिंकी के लिए कहा तो। पिंकी, इनके मुंह मत लगो। इंसान उतनी ही बात करता है जितना उनका जर्फ होता है। चलिए अम्मी यहां से, अब इन पत्थरों से क्या सर टकराना। इंसान की यादें ताजा करने गई थी ना तुम, अभी तक उसे दिल में बसा के रखा हुआ है ना तुमने। ऐसा छोड़े मुझे, तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी और तुम्हें कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। चलो जा रही हो ना गुड़िया, अगर तुमने एक कदम भी इस घर से बाहर निकाला ना तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। फिर तुम्हें जो करना है तुम कर लेना, मैं वापस नहीं आऊंगी। गुड़िया मैं बेवफा नहीं, ये काम अब तुम्हारे बस का नहीं है करचा। यहां दिन पे दिन गुजरते जा रहे हैं और तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे हो। अब ये काम मैं तुम्हारे भरोसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती, अब मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। वो किताब तो मैं ढूंढ लूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि फिरोज आपके कब्जे में नहीं आएगा। कहना क्या चाहते हो तुम? यही कि आप इतनी बड़ी आमला है, आपसे बेहतर तो कोई नहीं जानता कि फिरोज की सारी ताकत उसके जेवरात में है, उसके कड़ों में और उसकी अंगूठियों में। आप आज तक तो उसके जेवरात उतरवा नहीं सकी, तो उसको अपने काबू में कैसे करेंगी आप? करचा, अगर वो जेवरात हासिल करने से फिरोज मुझे मिल सकता तो मैं कब के वो जेवरात अपने कब्जे में कर चुकी होती। उसकी अंगूठी और उसके कड़े में उसकी ताकतें हो सकती हैं, लेकिन उसका दिल नहीं है वहां। और अगर उसका दिल ही मेरा नहीं हो सकता तो उसके जेवर और उसकी ताकतें लेके मैं क्या करूंगी? और वैसे भी अगर मैंने उसकी ताकतें ले ली तो वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा। ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आपको उसके जेवरात अपने कब्जे में कर लेने चाहिए। क्या कह रहे हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता। पर अब उसकी परवाज कितनी होगी इसका फैसला सिर्फ मैं करूंगी। लेकिन फिर भी जेवरात लेने में क्या हर्ज है? आप जब मर्जी वापस कर दीजिएगा। ठीक है करचा, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं उसके जेवर ले लूंगी।
बड़े अरमानों से रुखसत किया था मैंने तुम्हें, लेकिन मुझे क्या पता था कि बदनसीबी भी तुम्हारे साथ चल रही। कैसे नसीब है मेरी बेटी हो गए, एक का घर बसकर भी आबाद नहीं हो सका और दूसरी शादी की पहली रात ही विवाह हो गई। बाबा लोग मुझे डायन, बच्चलन, तेरे क्या क्या बोल रहे, लेकिन मेरे साथ उस रात जो हुआ सिर्फ मैं जानती हूँ। बाबा मैंने तो ये फैसला आप पर छोड़ दिया था, फिर आपने मुझे शाहनवाज जैसे दरिंदे के हवाले कैसे कर दिया। बाबा मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। तेरा बाप लोगों के अंदर छुपी दरिंदगी को देख ही नहीं पाया। बाबा आप जानते हैं हम उस रात शाहनवाज ने मेरा गला घोटने की कोशिश की थी, फिर पता नहीं कैसे मैंने अपने आप को चढ़ा के दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की थी, उसने फिर से मुझे पकड़ लिया था, वो मुझे मार देता। जब उस कुत्ते ने आके हमला किया सिर्फ उस वजह से मैं बची, और आप यकीन करें वो मेरी आंखों के सामने वो कुत्ता गायब हुआ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे यकीन है मेरा बच्चा, मुझे यकीन है। पिंकी को अपने साथ लेके जा रहा हूं। क्यों? इस क्यों का जवाब आप अच्छी तरह से जानती हैं। मैं पिंकी को यहां से ले जाने की इजाजत नहीं मांग रहा हूं, बता रहा हूं कि मैं इसे लेके जा रहा हूं। हमने तो सोचा था कि शायद हमने खानदानी लोगों में रिश्ता किया है। क्या मतलब इस बात का? अगर आप खानदानी होते तो आपको यह जरूर पता होता कि लड़की इद्दत पूरी किए बगैर अपने ससुराल से कहीं नहीं जा सकती, बल्कि बाहर ही नहीं निकल सकती। जब लैला की इद्दत पूरी हो जाएगी तो आप उसे ले जाइएगा। के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, अचानक
से ये सब कुछ हुआ और बस क्या बताऊं तुम्हें। शाहनवाज की मौत का मुझे भी बहुत अफसोस है। पिंकी के साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, घर का पालतू अपने मालिक को ऐसे कैसे चीर फाड़ सकता है। यही बात तो हमारी समझ से बाहर, कैसा हुआ कैसे। अब ऊपर से नायला बहन भी पिंकी को घर वापस नहीं भेज रही, उनका कहना है कि पिंकी अपनी इज्जत इसी घर में पूरी करे, वो वापस नहीं जा सकती। नहीं, इस मामले में तो वो ठीक कह रही हूँ, इज्जत तो एक ही जगह पूरी करेगी। खाना खा लो, खाने से मुंह नहीं मोड़ते। भूख नहीं लग रही, भूख लगेगी तो खा लो। खाना नहीं खाओगे तो रात को नींद कैसे आएगी। नींद तो वैसे भी नहीं आती, सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं तो लैला को खुश देखना चाहता था, क्या पता था किस्मत में उसके क्या लिखा है। घर बसने से पहले ही घर उजड़ गया। इन बातों को किस्मत पर मत डालो। पिंकी के शौहर के साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें किसी इंसान का हाथ नहीं है। जानता हूं, लैला और गुड़िया के साथ जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे पुरस्कार ताकतों का खेल है। जल्द इस हकीकत के ऊपर से पर्दा उठा दूंगा। शुक्र अदा करो, पिंकी की जान बच गई। शुक्र है पाक परवरदिगार का। लेकिन राज साहब को उसे वहां छोड़ के नहीं आना चाहिए। क्या कर सकते हैं बेटा, पिंकी के सास ने कहा है जब तक पिंकी की इद्दत खत्म नहीं हो जाती वो अपने मायके नहीं जाएगी। इद्दत तो चंद माह की, लेकिन लैला जिस पिंजरे में कैद हो गई है उससे निकालना उसे इतना आसान नहीं होगा। मैडम नीलोफर, आपको धोखा देकर ये मैं फिरोज का जिक्र लेकर जा रहा हूं। तलाल मुझे अपने पास रख लेगा और उसे मेरे पर यकीन आ जाएगा कि मैं उसका वफादार हूं। मैडम आपको जब ये किताब मिलेगी तो आप बहुत खुश होंगी, खुशी से पागल हो जाएगी कि अचानक चोरी क्यों की।
शायद मैंने आपसे बहुत मुश्किल सवाल कर लिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर मेरा अंदाजा ठीक है तो पिंकी का सेब किसी की जान नहीं ले सकता। हाँ, जो कोई भी पिंकी के करीब आएगा उसे वो जरूर नुकसान पहुंचाएगा, उसकी जान वो ले सकता। एक मिनट, आपके कहने का मतलब ये है कि पिंकी के शौहर की जान उस जिन ज्यादा ने ली है? नहीं, अभी मैं यकीन से कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, पिंकी के घर में मुझे मावराई मखलूक की मौजूदगी का एहसास हुआ था। मगर हम तो यही समझ रहे थे कि वो जिन पिंकी की जिंदगी से चला गया है। इतनी आसानी से कहाँ छोड़कर जाती हैं ये मखलूक। देखिए शम्स भाई, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, अगर उस जिन ने शाहनवाज का कत्ल इसलिए किया है कि वो पिंकी का शौहर था, तो वो कत्ल तो शादी से पहले भी कर सकता था उसका, इतना इंतजार उसने क्यों किया फिर? शम्स भाई, सच पूछे तो मुझसे राशिद की हालत बिल्कुल भी नहीं देखी जा रही। पिंकी के यूँ बेवा होने के बाद राशिद अंदर से बिल्कुल खत्म हो चुका है। ठीक कह रही हैं। मैं बहुत मांगना चाहता हूँ आपसे, मुझे एक बहुत जरूरी अमल करना है और मेरा वक्त हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। खुदा मामा, आपने तो कहा था उस लैला को चलता करेंगी इस घर से, फिर आपने उसे इद्दत पूरी होने तक क्यों रोक लिया यहाँ? मैंने अपने बेटे को जरूर गंवाया है, मैं अपने बेटे के गम से निढाल जरूर हुई हूँ, लेकिन अपने होश नहीं गवाए मैंने। आप कहना क्या चाह रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर वो लड़की अपने मायके चली गई तो उस मरी हुई चींटी के पर निकल आएंगे। अभी उसे इसी घर में सड़ने दो, सोचने दो मुझे कि आगे क्या करना है। जो लड़की मेरे बेटे की जिंदगी के साथी नहीं बन सकी, तो ये कैसे हो सकता है कि मैं उसे उसकी जायदाद की मालकिन बना दूं? ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मुझे गौर करने दो अभी इस मामले पर। लेकिन मामा, मैं जब भी उस टाइन को देखती हूँ मेरा खून खौलता है। सबर कर, वैसे भी हमारे खानदान की रिवायत है कि लड़की इद्दत अपने ससुराल में ही करती है।
यही है वो चीज जिसकी वजह से वो आसिब इस घर में फिर से दाखिल हुआ है। तलाल साहब, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। अब आप मुझे अपना चेला बनाएंगे ना? खर्चा, ये जो तुम फिरोज की माला यहाँ लेकर आए हो, किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं या किसी को तुम पर शक तो नहीं हुआ? बड़ी चलाकी से मैं ये माला लेकर आया, किसी को पता नहीं चला। शाबाश, क्योंकि अगर नीलोफर को पता चल गया तो वो अपने अमल से इसकी ताकत खत्म कर सकती है और फिर उसको महफूज कर सकती है। फिर ये माला मेरे किसी काम की नहीं रहेगी। ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूं, इसलिए किसी को खबर नहीं होने दी। करशा है, तुमने काम तो बहुत अच्छा किया और इस माला की वजह से रोज की ताकतें काबू करने में कामयाब हो जाऊंगा और उसे उसकी दुनिया में वापस भेजने के लिए मजबूर कर दूंगा इंशाल्लाह। आपके लिए मैंने मैडम नीलोफर को धोखा दिया है, अब आप अपना वादा पूरा करें और मुझे अपनी शागिर्दी में ले लें। आपने मुझे अमल सिखाने का वादा किया था, मुझे वो अमलियात सिखाएं तलाल साहब, जिससे मैं जिन्नात को काबू कर सकूं। मैंने अपनी सारी जिंदगी इसी मकसद को हासिल करने के लिए गुजारी, लेकिन मुझे आज तक कोई कामयाबी नहीं मिली। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मुझे वो अमल सिखाएं ताकि अपनी जिंदगी का मकसद मैं भी पूरा कर सकूं। बैठो करछा। मैंने जो तुमसे वादा किया है वो वादा पूरा जरूर करूंगा। इन अमलियात को हासिल करने के लिए बड़े जतन करने पड़ते हैं, बड़े कठिन मरहलों से गुजरना पड़ता है। हर एक सच्चे अमल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जब वो इन अमलियात को हासिल कर ले तो इनको अपने जाती मफाद के लिए इस्तेमाल ना करे। तो तुम्हें मुझसे ये वादा करना होगा करजा कि अगर मैं तुम्हें यह अमलियात सिखाऊंगा तो तुम इन्हें अपने जाती मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे, बल्कि मुझसे अहद करोगे कि तुम इंसानियत की खिदमत करोगे, उनके काम आओगे। करचा, कहो, वादा करते हो मुझसे? मेरे पास आपकी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। ठीक है कच्चा, अब तुम जाओ, मुझे एक बहुत जरूरी अमल करना है। एक बार जन्नात को मेरे काबू में आ लेने दें तलाल साहब, फिर कच्चा उन जन्नात की एक सल्तनत बनाएगा और उस सल्तनत का बादशाह बनेगा कच्चा, सिर्फ कच्चा।
पिंकी बीबी, पिंकी बीबी, हाँ समीना बोलो, आपके बाबा ने शानवा साहब से आपकी शादी कैसे कर दी? वो जी क्या कहते हैं, साइको लोग हैं। रुको रुको, बैठो बैठो, मुझे बताओ तुम और क्या जानती हो? बीबी जी आप मेरा किसी के सामने नाम मत लीजिएगा। नहीं नहीं मैं नहीं लूंगी, अब बताओ। शानवा साहब की ना आपसे दूसरी शादी थी। उनकी जो पहली बीवी थी सीनिया, बहुत खूबसूरत थी, मगर मगर वो मगर क्या जी, वो बदचलन थी, उसने शानवा साहब को खाने में जहर दे दिया। शानवा साहब की जिंदगी तो बच गई, मगर उनका दिमाग खराब हो गया। और समीना, समीना जाओ, वीना।